राजस्थान के जिले और उनके वन्य जीवों की आज हम चर्चा करेंगे। हर जिले का वन्य जीव ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम संभाग वाइज ज्ञात करेंगे। हम बात करें बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग में चार जिले आते हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। यदि हम बात करें बीकानेर की, बीकानेर का वन्य जीव है भट्ट तीतर, श्री गंगानगर का है चिंकारा, हनुमानगढ़ जिले का है छोटा किलकिल और चूरू जिले का है काला हिरण। यदि हम बात करें बीकानेर की, बीकानेर का है भट्ट तीतर, श्री गंगानगर का है चिंकारा, हनुमानगढ़ जिले का है छोटा किलकिल और चूरू जिले का है काला हिरण। ये बीकानेर संभाग के हैं। फिर हम बात करें जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में पांच जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। यदि हम बात करें झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले का है काला तीतर, सीकर जिले का है शाहीन, जयपुर का है चीतल, अलवर का है सांबर और दौसा का है खरगोश। हम बात करें जयपुर की, जयपुर का है चीतल, झुंझुनू का है काला तीतर, सीकर का है शाहीन, अलवर का है सांबर और दौसा का क्या है खरगोश। फिर हम बात करें भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में चार जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यदि हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर का है सारस, धौलपुर का है पंचीरा जिसको इंडियन स्क्रीमर कहा जाता है, धौलपुर का है पंचीरा जिसको इंडियन स्क्रीमर कहा जाता है, करौली का है घड़ियाल और सवाई माधोपुर का है बाघ। तो भरतपुर संभाग में चार जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर जिले की बात करें तो इसका वन्य जीव है सारस, धौलपुर है। धौलपुर जिले की बात करें तो इसका है पंचेरा जिसको इंडियन स्क्रीमर कहा जाता है। फिर हम बात करें करौली, करौली का है घड़ियाल और सवाई माधोपुर का है बाघ। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में चार जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। सबसे पहले हम बात करें कोटा जिले की। कोटा जिले का वन्य जीव है उद बिलाव, झालावाड़ का है गागरौनी तोता, बारा का है मगर और बूंदी का है सुरखाव। हम बात करें देखो कोटा है इसका है उद बिलाव, झालावाड़ है इसका है गागरौनी तोता, बारा का है मगर और बूंदी का है सुरखाव। उसके बाद हम बात करें उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में छह जिले आते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। उदयपुर संभाग में छह जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। सबसे पहले हम बात करें उदयपुर की। उदयपुर जो है इसका वन्य जीव है बिज्जू, डूंगरपुर का है जांगिल धोक, बांसवाड़ा का है जल पीपी, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा और राजसमंद का है भेड़िया। हम बात करें उदयपुर, उदयपुर का है बिज्जू, डूंगरपुर का है जंगिल धोक, बांसवाड़ा का है जल पीपी, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा और राजसमंद का है भेड़िया। हम बात करें जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में छह जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। जोधपुर संभाग में छह जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। हम बात करें जैसलमेर जिले की। जैसलमेर जिले का वन्य जीव है गोडावण जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें बाड़मेर। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, जालौर का है भालू, सिरोही का है जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गा। हम बात करें पाली। पाली का है तेंदुआ और जोधपुर का है कुरंजा। हम बात करें जैसलमेर। जैसलमेर का है गोडावन, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, जालौर का भालू, सिरोही का जंगली मुर्गा, जोधपुर का है कुरंजा पक्षी और पाली का है तेंदुआ। फिर हम बात करें अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में चार जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। अजमेर संभाग में चार जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक।
हम बात करें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का है मोर, भीलवाड़ा का क्या है, मोर है। फिर हम बात करें अजमेर की, अजमेर का है खरमोर, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खरमोर। फिर हम बात करें टोंक, टोंक का है हंस और नागौर का है राजहंस, टोंक का हंस, नागौर का राजहंस, भीलवाड़ा का मोर। और हम बात करें भीलवाड़ा का तो क्या है, मोर है, अजमेर का क्या है, खरमोर है, टोंक का हंस है और नागौर का राजहंस है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के जिला और उनके वन्य जीव हैं उसके बारे में चर्चा की है।